Hello and welcome, students of class 6. So let us start with the history, with the chapter which was going on, chapter number 4, the Vedic age. So in yesterday's video I have explained you about the social life. Aadha reh gaya tha topic complete karna, aaj complete karte hain aadha topic social life ka. So the society was divided into four distinct castes based on the skill of the people. So आज वो बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम डिवाइडेड था उस समय पर. सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू वॉच द प्रीवियस पार्ट बिकॉज यू गेट नथिंग इफ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस पार्ट. सो ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. ब्राह्मणास और द प्रीस्टली क्लास, मतलब जो प्रीस्ट होते थे उस टाइम पे, जो पंडित कहलाते थे. क्षत्रिय, क्षत्रिय और किंग्स एंड वॉरियर क्लास, मतलब जो लड़ने के लिए जाने जाते थे. वैश्यास और मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, जो वैश्यास कहलाते थे. शूद्रास और मिनियल वर्कर्स, राइट. सो देयर वर आल्सो दासास एंड दासियास हु वर द स्लेव सर्वेंट्स और एनिमी कैप्चर्ड. अब क्या होता था, दास भी बनाए जाते थे उस सिस्टम में. तो दास बहुत सबसे ज्यादा नीची जाति में डील किया जाता था दासों को. चिल्ड्रन वर सेंट टू गुरुकुल्स वेयर दे लिव्ड एंड स्टडीड विद देयर गुरु और टीचर. दे स्टडीड रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, लॉजिक, मेडिसिन, ग्रामर एंड मॉरल कोड्स ऑफ द कंडक्ट. सो बच्चों को गुरु के हवाले कर दिया जाता था, गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जिससे कि उनकी आगे की पढ़ाई फर्दर कंप्लीट हो जाए. जो कि अगर आपने रामायण और महाभारत इस दौर में देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में, तो आपको जरूर पता होगा कि क्या है गुरुकुल वगैरह. सो पीपल इन दिस पीरियड एट ग्रेन्स, सीरियल, बार्ले, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मीट. दे वर फॉन्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, घी एंड कॉटेज चीज. तो इस समय पे जो लोगों का खाना होता था और जो इनकी डाइट होती थी, बड़ा ही सिंपल एंड सॉर्टेड डाइट होती थी. दे ऑल्सो कंज्यूम सोमा और एंड सुरा, अ टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक. ऑन फेस्टिव ओकेजन सोमा वॉज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हर्ब्स एंड प्लांट्स एंड सुरा वॉज अ काइंड ऑफ अ लिक्वर, मतलब यू कैन से वाइन और समथिंग. Like that. So let's read about the next topic, which is the religion. In early Vedic period, the dominant mode of worshipping the god was through recitations of prayers and hymns. So उस समय पर जो भगवान की पूजा जो होती थी वो कहलाती थी कि अगर आप poems को recite कर रहे हैं, poems को गाकर सुना रहे हैं. And the performance for sacrifices or yajnas. So याजन जो था वो क्या था, a sacrifice ceremony conducted by the priests around the fire. So ऐसी sacrifice, ऐसी कुर्बानी की एक होती थी ceremony है, जो कि priest fire basically उसमें use होती थी. So याजनास were performed by the people to please the gods so that the mighty bestow blessing on them. So याजनास जो होती थी उस समय भगवान के लिए करी जाती थी, ऊपर वाले के लिए करी जाती थी कि भगवान ये सैक्रिफाइस कबूल करिए और अपनी ब्लेसिंग्स हम पर शावर करिए, अपनी ब्लेसिंग्स हम पर रखिए. देयर वर नो टेम्पल्स नॉर वर देयर एनी आइडल्स. सो उस समय किसी चीज को नहीं माना जाता था, ना ही किस कोई मंदिर थे उस समय पर. People worshipped the forces of nature presented by Agni, the fire god, Indra, the god of rain and thunder, Varun, the god of wind, Surya, the sun, Soma, the god of plants, Prithvi, the earth god, Yama, the god of death, and Usha, the goddess of dawn. In basically gods ko us samay par mana jata tha. Us time ki recreation kis type ki hoti thi later Vedic period mein? लेटर वेदिक पीरियड के पहले जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी, तो वो क्या होती थी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, आपकी अर्ली वेदिक पीरियड में हम आपको बता रहे हैं.
Chariot racing, horse racing, and hunting were the favorite recreational activities of the Vedic people. So chariot racing मतलब रथ यात्रा जो होती है, रथ की racing होती थी, horse riding होती थी, and the dice games were very enjoyed at that time. So let us start with the new topic of today's video, which is later Vedic period. So later Vedic period क्या था? उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Many changes took place from the early to the later Vedic period. काफी सारे changes आए. It was during this age that the Upanishads, Aryanyakas, Brahmas, and the two epics, the Ramayana and Mahabharata, were produced at the later Vedic period. So, political life later Vedic period ki kya thi? Uske baare mein discussion karte hain. In later Vedic period, the position of the king became more powerful. His office became hereditary, voluntary contribution from the wish were now forcibly collected. अब क्या होता था, पहले सारे लोग जो collection करते थे revenue का, वो बंद हो गया. अब forcible collection of revenue होने लगा, हर घर से कुछ ना कुछ part of revenue collect होता था. Hereditary ruling आ गई थी, अगर कोई राजा है तो उसका बेटा rule करेगा आगे चल के. So hereditary ruling आ गई थी. And but there was still no standing army, कोई भी army नहीं थी उस time की. The king's influence was further strengthening by the rituals he performed. Several public and important sacrifices included the Ashwamedha, Rajasuya, and Vijapiya to demonstrate the increasing power and prestige. So these all yagya was considered as a matter of prestige at that time. इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उस समय की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ड्यूरिंग द लेटर वेदिक पीरियड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज एग्रीकल्चर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो. दिस पीरियड इज आल्सो मार्क्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की शुरुआत हो गई थी. आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिगेन टू इंक्रीजिंगली यूज्ड. सो आयरन की जो यूज था वो बहुत ज्यादा extensively used होने लगा था iron. At that time, people during this period used painted graveware. A number of sites have been excavated such as Hastinapur, Kaushambi and Atranjikera in Uttar Pradesh. So, इन सारी चीजों को निकाला गया, खोदा गया, excavate किया गया. So, there are frequent references of the later Vedic text to variety of crops including rice called the new agriculture tool and techniques were used at that time. And later Vedic period saw a further increase in crafts and craft specialization. So this was all about the economic life. Thoda bahut reh gaya later Vedic period mein, kal samjhaya jayega aapko. And thank you so much for watching, and please be focused and study well. Thank you.